दीनयात एजुकेशन ट्रस्ट ब्यावर द्वारा मोहम्मद अली स्कूल जौहर हॉल में प्रतिभा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गत दिनों आयोजित दीनयात जनरल नॉलेज परीक्षा में सफल रही प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। आयोजक दीनयात एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना शरीफ चांग ने यह कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत करी मोहम्मद हुसैन साहब ने तिलावत कलाम पाक से की। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के लिए मोहम्मद अली स्कूल के सदर जना पप्पू काठात करबला मार्ग, राजस्थान चीता महरात महासभा उपाध्यक्ष वाजिद खान चीता, कोषाध्यक्ष सरदारा काठात, शेख सैयद मुगल पठान महासभा अध्यक्ष बशीर खान, करनाजी की डाक अध्यक्ष दीन मोहम्मद काठात, गाजी जी डांग अध्यक्ष साहिर काठात, सुभान सरपंच नवयुवक अध्यक्ष मुकेश काठात, मौलाना सुलेमान कासमी, अनिस साहब, साबिर काठात, महबूब खान, मुराद खान, नीर मोहम्मद, जलाल काठात, चांद भाई, फजल और सलीम काठात ने इस मौके पर शिरकत की। समारोह में दीनयात जनरल नॉलेज के एग्जाम में सफल रही प्रतिभाओं को इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि गत दिनों ट्रस्ट की ओर से परीक्षा का आयोजन भी किया गया, जिसमें 400 बच्चों ने शिरकत की, जिसमें से विजेता रहे प्रथम 10 प्रतिभागियों को लैपटॉप, टेबल, कुर्सी, मिक्सर, स्कूल बैग आदि पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मान हुआ उनका। टॉप 10 स्थान पाले वाले प्रतिभाओं जो थी उनको सलामत मेमोरियल स्कूल ब्यावर के डायरेक्टर सबीर काठात की तरफ से 10वें स्थान तक के 17 बच्चों को स्कूल बैग देकर सम्मान दिया गया।